तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में आपको दिखाने वाले दिवाली 2022 का स्ट्रेस, लेकिन सारे के सारे क्रैकर्स है जो कि नॉर्मल क्रैकर्स नहीं होने वाले, सारे के सारे यूनिक क्रैकर्स है जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। तो मैं सबकी प्राइस बताऊंगा और अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा कौन सा क्रैकर कैसा निकलता है बॉक्स में से। तो सबसे पहले वीडियो लाइक नहीं करते यार, सबसे पहले लाइक कर दो वीडियो को, क्योंकि आप सभी के लिए लेके आए इतने सारे क्रैकर्स आपको दिखाने के लिए। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं, पहले निकाल के सभी क्रैकर्स को बाहर। तो आप देख सकते हो यार पूरा थैला भरा हुआ अभी तो अंदर, तो एक एक को बाहर नहीं निकाल दे, सारा कट्टा ही हम ऐसे कर देते हैं भाई साहब। कुछ इस प्रकार से देख सकते हो सारे के सारे क्रैकर्स हमने निकाल लिए, और ये सारे क्रैकर्स मैं बता दूं पहले कॉस्टली होने वाले क्योंकि सारे ब्रांडेड क्रैकर्स हैं। तो एक एक, तो चलिए फिर एक एक क्रैकर्स आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा क्रैकर्स किस प्राइस में पड़ा है। तो सबसे पहले और हमारे थे हेलीकॉप्टर्स पे, कुछ इस प्रकार के बॉक्स है गाइस, इनमें निकलने वाले हेलीकॉप्टर। आप सोचोगे हेलीकॉप्टर किस प्रकार के होंगे, तो गाइस कुछ इस प्रकार के हेलीकॉप्टर आसमान में जाके काफ़ी ऊपर तक उड़ते हैं, काफ़ी मज़ा आने वाला है। इनको जलाएंगे भी हम अगले वाली वीडियो में। तो इस प्रकार के हेलीकॉप्टर एक बॉक्स का प्राइस हमको पड़ा 120 रुपये, जिसके हम दो बॉक्सेस लेके आए हैं। शायद आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे ऐसे पटाखे, कुछ इस प्रकार काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले ये। तो नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे पास है मर्करी की ब्रैकल, कुछ इस प्रकार के स्काई शॉट है। दो हमने चला लिए थे, एक चला लिया मतलब सॉरी, तो काफ़ी अच्छा होने वाला है स्काई शॉट। एक बॉक्स की कीमत 120 रुपये, इसके भी काफ़ी महंगा है लेकिन होने वाला काफ़ी गजब है, आसमान में जाके काफ़ी गजब फंक्शन दिखाने वाला है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कॉर्निशन किया स्नेक, जो कि बच्चों के फेवरेट आते हैं सांप की गोलियाँ, वही सांप की गोलियाँ यहाँ पे। तो इनको भी टेस्ट करेंगे, इसमें सांप निकलेगा। एक बॉक्स की कीमत है 50 रुपये, और देखते हैं कैसा इसमें सांप निकलता है 50 रुपये। नेक्स्ट पे हमारे पास है मर्करी का सिल्की शावर्स, कुछ इस प्रकार के अनार होने वाले। आपने शायद नहीं देखे होंगे ऐसे अनार गाइस, कुछ इस प्रकार के अनार काफ़ी यार एकदम दिखने में काफ़ी गजब, ऊपर से चलेगा ये और काफ़ी देर तक इसमें अनार चलेगा, वो भी सिल्वर कलर का। अब देखते हैं कलर कौन सा होता है इसमें से, इसको जला के अलग वीडियो में देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है गाइस कुछ इस प्रकार की, यहाँ पे हमारे पास अनार, ये भी छोटी छोटी मरकरी ये फाउंटेन है एकदम छोटे छोटे, वो भी अलग अलग कलर में। इनको भी टेस्ट करेंगे, इसकी शायद एक डब्बे की प्राइस है 60 रुपीज़ या 50 रुपीज़, कुछ इस प्रकार के महंगी है लेकिन काफ़ी अच्छी चलने वाली है ये। और नेक्स्ट पे हम देखते हैं फिर हमारे पास है वनीता के कलर फ्लैश, कुछ इस प्रकार के पटाखे हैं, वनीता ब्रांड के हैं, कलर फ्लैश है, फ्लैश मारे गए, देखेंगे रात को इनको जला के कैसे फ्लैश मारते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है गाइस सन ड्रॉप, कुछ इस प्रकार की, ये भी अनार है और देख सकते हो गाइस किस शेप में ये बनी हुई है, कुछ इस प्रकार की हमको दिखती है गाइस। 220 रुपये की 5 पीस आती है, जिसमें से एक पीस हमने जला दिया है। तो कुछ इस प्रकार का, इसको भी टेस्ट करेंगे, देखेंगे ये कैसे चलेगा। सन ड्रॉप इसका नाम है, तो इसको भी रखते हैं साइड में। उसके बाद यार यहाँ पे आप ये देख सकते हो, क्या आप सोचोगे ये क्या चीज़ है, लेकिन ये फूलझड़ी है कुछ इस प्रकार की, आती है पैकेजिंग में। तो इसको खोल के दिखाता हूँ आपको किस प्रकार की फूलझड़ी है। ये ऊपर है ढक्कन इसके, काफ़ी टाइट है। तो गाइस कुछ इस प्रकार की, इसके अंदर स्पार्कल आपको देखने मिल जाती है, फूलड़ियाँ देखने मिल जाती है, जो कि 5-6 फूलड़ियाँ आती है कुछ इस प्रकार की। 100 रुपये का ये छोटा सा डब्बा है ये, लेकिन थोड़ा कॉस्टली है, कॉस्टली तो नहीं है मतलब, ये तो ठीक ठाक आपको प्राइस मिल जाएगा, लेकिन पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, ग्रीन क्रैकर भी है गाइस आप देख सकते हो। उसके बाद आपको दिखा दूँ यहाँ पे हमारे पास है यहाँ पे वनीता के फ्लेम्स, कुछ इस प्रकार के, पिंक फ्लेम्स इनका नाम है, और देखते खोल के कुछ इस प्रकार के यार ये भी आ जाते हैं फ्लेम्स देखने के लिए। कोई यार काफ़ी इंटरेस्टिंग पटाखे सारे के सारे, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, यूनिक लग रहा है, इसको भी ट्राई करेंगे। 75 रुपये का एक बॉक्स है, जिसके 2-3 बॉक्स हम लेके आए हैं, वनीता ब्रांड का देख सकते हो। उसके बाद एक और हमारे पास है वनीता की आइस पिन, भाई हवा में जाके घूमेगी या जमीन में घूमेगी कुछ पता नहीं है, कुछ इस प्रकार की है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ काफ़ी उद्धम मचाएगी ये, कुछ इस प्रकार की है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको भी देखेंगे ट्राई करके। 150 रुपीज़ का बॉक्स है, एक महंगा है, देखो देख लो 5 पीस है 150 रुपये का, महंगा ही है। अब देखेंगे किस प्रकार से चलता है, हम लेके तो आ गए इसको। उसके बाद यहाँ पे मरकरी के गोल्डन रेन, कुछ इस प्रकार के देख सकते हो आप, ये भी शायद फ्लावर पॉट है मेरे ख्याल से, देखते हैं। हाँ गाइस ये भी फ्लावर पॉट है, कुछ इस प्रकार के दिखते हैं गोल्डन रेन, इनमें से देखते हैं गोल्ड कलर निकलता है कौन सा कलर निकलेगा, देखेंगे टेस्ट करके। 180 रुपीज़ का है ये, थोड़ा महंगा है, मरकरी ब्रांड का है, महंगा होगा, देखेंगे चला के कौन सा होने वाला। तो मैं एक चीज़ बता दूँ, सारे के सारे पटाखे जो है सारे कॉस्टली होने वाले हैं। और यहाँ पर है हमारे पास वनीता की स्पिनर, भाई इंटरेस्टिंग देखो, पैकेजिंग देखो इसकी, और चक्री देखो किस प्रकार से दिख रही है, इनको भी टेस्ट करेंगे। और कलर यार वो काफ़ी अच्छे लग रही है एकदम, पैकेज किसी को दे भी तो काफ़ी अच्छा लगता है ये, कुछ इस प्रकार की। प्राइस 190 रुपये लिखा हुआ है MRP, लेकिन हमको मिल गई 120 रुपीज़ या 130 रुपीज़ की, कुछ इस प्रकार की, ठीक है प्राइस के हिसाब से ये अच्छी लगी मेरे को काफ़ी। उसके बाद आपको दिखा दूँ यहाँ पे हमारे पास है गाइस, हमने जला लिए इसमें सारे पटाखे देख सकते हो यार, ये है स्टैंडर्ड के ज़्यादा फ्लावर्स, कुछ इस प्रकार के 2 पीस पड़े हैं हमारे पास, कुछ इस प्रकार के, शायद 2 बॉक्सेस, 1 बॉक्सेस और है इसका, 3 पीस हमने जला लिए जल्दी जल्दी में, यानी हमको भी देखना था यार उधम, तो हमको मच रही थी पटाखे जलाए जल्दी से। तो इस प्रकार का है, शायद इसकी प्राइस मेरे को शायद 130 या 120 रुपीज़, कुछ इसी प्रकार की प्राइस है इसकी, थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, कुछ आइडिया नहीं इसका। ये देख सकते हो एक बॉक्स और पड़ा है हमारे पास, एक तो हमने एक में से जला लिया हमने,
उसके बाद आपको दिखाता हूँ गाइस यहाँ पे है लेजर ट्रैक। भाई साहब कैमरे भी नहीं आ रही है। इस प्रकार का सोने का स्काई शॉट काफ़ी बड़ा, 600 रुपये का स्काई शॉट है। देखेंगे कैसे किस प्रकार चलता है। इस पर पिंक कलर का एनिमेशन बना हुआ है, लेकिन देखेंगे किस प्रकार का एनिमेशन इसमें निकलता है। तो इसकी अलग वीडियो हम निकालेंगे, शॉर्ट्स वगैरह निकाल देंगे, आपको देख सकते हो अपने चैनल पर। इसकी वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे रेड का बटन दबा के। उसके बाद आपको दिखाता हूँ यार हमारे पास है गाइस गिर गए, ये है जेल जंग कुछ इस प्रकार के। भाई ये देख सकते हो मेरे हाथ में, ये भी शायद अनार टाइप में, चुटपुट टाइप में, कुछ नहीं पता, लेकिन भाई दिखने में काफ़ी औसम लग रहा है। इसको भी चला के देखेंगे। इसमें आते हैं 3 पीस जो कि आते हैं 220 रुपये के। भाई थोड़े महंगे हैं, लेकिन भाई स्टैंडर्ड ब्रांड के तो महंगे तो आएंगे ही। उसके बाद आपको दिखाते हैं बहुत सारे पटाखे हो गए। ये देखो भाई ये है लड़ी, भाई जो लड़ी हम बोलते हैं हम इसको, डुलक्स की है, देख सकते हो डुलक्स बना हुआ है। और यहाँ पर पता नहीं क्या क्या एनिमेशन बनी हुई है। इस एक बम की जो पावर होती है बुलेट बम जितनी होती है, भाई बहुत उधम मचाने वाले हैं, ये बम बहुत तेज फटने वाले हैं। इससे कुछ इस प्रकार के है। 65 रुपीज़ की एक लड़ी है भाई गाइस, काफ़ी महंगी है, लेकिन चला के देखें कैसी चलती है। देख सकते हो काफ़ी मोटे मोटे बम है, काफ़ी लाउड फटने वाले हैं। उसके बाद यार हमारे पास है एक और चक्री जो कि वनिता की स्पिनर, एक आपको दिखाई थी मैंने पहले, ये दूसरे वाली है उसी शेप में, लेकिन थोड़ा साइज़ बड़ा है इसका, कुछ इस प्रकार की है। इसकी MRP पता नहीं कितनी लिखी हुई है, इसका शायद प्राइस उतना ही था 100-110 रुपये कुछ इस प्रकार की, 120 तक होगी है। तो उसको भी टेस्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको दिखाता हूँ यहाँ पर पता नहीं ये क्या चीज़ है, एकदम यूनिक चीज़ है गाइस, क्रैकलिंग कैंडी कुछ इस प्रकार की बनी हुई है, स्टैंडर्ड ब्रांड की गाइस। ये देखो गाइस, भाई ऐसा लगता है जैसे परी नहीं आती अपनी जड़ी लेके, उस प्रकार की झड़ी है। इसमें से आगे से फ्लेम निकलने वाली है, अब देखेंगे किस प्रकार से निकलती है। इसके एक पीस का प्राइस पड़ी 100 रुपये, 2 पीस के 200 रुपये के, 2 पीस आप देखेंगे यार 200 रुपये में क्या हमको मिला। ये थोड़ा महंगा है, लेकिन अब देखते हैं किस प्रकार से चलता है ये। उसके बाद यार यहाँ पे हमारे पास है 3, ये कुछ इस प्रकार के आप देख सकते हो गाइस, वनिता के 3 कलर्स पेंसिल आती है बच्चों की, जैसे बच्चे पेंसिल चलाते हैं उसी प्रकार की पेंसिल है, लेकिन गाइस चलने वाली है, जैसे पेंसिल चलती है बहुत देर तक चलती है, कम से कम 1 मिनट तक चलती है पेंसिल, कुछ इस प्रकार की है। एक पेंसिल कीमत शायद 50 रुपीज़ है, एक पीस की कीमत। तो आप देख लो 4 पीस आते हैं तो आप डिवाइड करके देख लो कितने रुपये के पड़ गए हमको ये, कुछ इस प्रकार के 200 रुपये का पड़ गया बॉक्स, तो 400 रुपये के 2 बॉक्स पड़े, देख सकते हो भाई कितनी ज़्यादा कॉस्टली है। इसको भी टेस्ट करेंगे हम, चलाएंगे इसको भी। उसके बाद गाइस हमारे पास है ये कोल्ड ड्रिंक्स, ये कोल्ड ड्रिंक पता नहीं कैसे आ गई, कोल्ड ड्रिंक नहीं गाइस, ये है कैन, इसमें निकलेगा शावर, कुछ इस प्रकार की कैन है गाइस, काफ़ी अच्छे चलने वाले, फ्लावर पॉट निकलने वाले, एनिमेशन काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। एक कैन की कीमत है शायद 100 रुपीज़, ये भी हमको 200 रुपये की 2 पड़ी है, तो उनको भी टेस्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास है गाइस यहाँ पे ये वाला क्रैक जैक, कुछ इस प्रकार का भाई क्रैकर है ये, इसको भी टेस्ट करेंगे। देख सकते हो कुछ इस प्रकार के इसमें क्रैकर आपको देखने मिले, क्रैक जैक देख पता नहीं क्या चीज़ निकल गई यार इसमें से, ये भी कुछ फ्लावर पॉट जैसा है क्रैक जैक। उसकी MRP तो 2000 कुछ रुपये लिखी हुई है, बहुत इतना तो महंगा नहीं है ये कम से कम होगा शायद 250 रुपये का, अभी ये स्टैंडर्ड ब्रांड का 250 रुपये का, देखेंगे किस प्रकार से चलता है ये क्रैक जैक। उसके बाद हमारे पास है गाइस यहाँ पे है हमारे पास ओगी वाले पटाखे, जो कि यार मेरे को काफ़ी अच्छे लगे, काफ़ी मेरे फेवरेट लगे, ऊपर जाके काफ़ी अच्छे ये एनिमेशन देते हैं, कुछ इस प्रकार के हैं। और बॉक्स का प्राइस है 260 रुपये का, जिसमें 6 पीस आते हैं, 2 हमने पीस इसमें जला लिए, अब देखेंगे ये किस प्रकार से चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वो दिखाऊंगा। उसके बाद हमारे पास गाइस मैंने ये वाली फ्लैश अलग है, कुछ इस प्रकार की सिल्वर फ्लैश है वनिता की, कुछ इस प्रकार की दिखती है, तो उसको भी टेस्ट करेंगे। डब्बे काफ़ी महंगी होने वाली, इसका मेरे को आइडिया नहीं है, MRP तो बहुत ज़्यादा लिखी हुई है, 900 रुपये का तो नहीं है ये कुछ, यानी मतलब ये होगा शायद 200 या 190 रुपये का, कुछ इस प्रकार की फ्लैश आ देते हैं आप देख सकते हो। तो बस काफ़ी सारे पटाखे हैं, और कुछ पटाखे शायद रह भी गए होंगे तो मेरे को कुछ आइडिया नहीं है, देख सकते हो कुछ ये वाला भी रह गया एक, ये पता नहीं क्या है टिंडर जो है, कुछ इस प्रकार का क्रैकर है, दिखा देता हूँ गाइस, ये भी एक अनार है। तो सब क्रैकर है जो हमको 13,000 रुपये की प्राइस में पड़े हैं। तो गाइस अभी तक तो अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले कर देना वीडियो को लाइक, ऐसे आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो कर देना, क्योंकि इसकी टेस्टिंग इसी चैनल पर आने वाली है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, ताकि आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बहुत सारी वीडियो आने वाली है दिवाली की, जिसने सब्सक्राइब नहीं करेगा तो पहले सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक कर दो। तो मिलते हैं इनकी टेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और गाइस और स्टेज देखने हैं तो कमेंट करना, इनकी टेस्टिंग जितनी जल्दी हम निकालेंगे, जितनी जल्दी आप लाइक करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।